हैकर हैकर है भाई, मत जीत कर। अरे मारा, दो बंदे हैकर है रे बाप, बोल दिया हैकर है, कवर में मेरे को दो हेडशॉट मार दिया। तो गाइस, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि ये दुनिया जो है गोल है, और अगर आप एक छोर से चलना शुरू करोगे तो वही वापस एट द एंड उसी छोर पे आ खड़े होगे जहां से कि आपने स्टार्ट किया था। मुझे पता है मेरी घुमा फिरा के बताई हुई बातें आपको समझ में नहीं आती है, तो कहने का मतलब मेरा साफ है कि भाई साहब, जहां बीजीएमआई का सीजन नया स्टार्ट होता है, हमेशा हमेशा ऐसा होता है कि भैया हैकर भर भर के आते हैं, और इस सीजन भी कुछ बदला नहीं। मतलब भाई तुम यहां देखो, इस गेम में कितने ही हैकरों से हमारा सामना होने वाला है, और शुरुआत वो तो लॉबी से ही हो गई, बिकॉज़ यहां देखो एक बंदा ऑलरेडी बैन हो चुका है। पर धीरे धीरे चल के भैया इस गेम में हमारी कितनी हैकरों से मुलाकात होनी है, बस भाई देखते ही जाओ सीरियसली। हाँ, पूरे सबके वैसे तो 30 तो हो जाएंगे, 10-10। अरे गनी नहीं है घर में भाई, मैं नहीं खेल रहा, चलो कोमल लूट ले लो, कोमल लूट ले लो। जॉन से फोक्सिन होने में ही आ जाना सीधा एकदम। क्या बात है, वो दो हेल्थ की दवाई दो। मेरे पास खुद के पास कुछ नहीं आया, लूटा ही नहीं अभी तक, पहले बचाना है। जिस जोश से यहाँ पे क्लच किया है, सही में यार लैग तो बनता है, लेकिन कसम से यार अब तक हमें कोई आइडिया नहीं था कि भैया इस गेम में हैकर है या फिर नहीं है। तो भैया हम तो फुल तोड़ फोड़ तबाही मचाए जा रहे थे, लेकिन भैया अभी थोड़ी देर में सारा कॉन्फिडेंस डाउन होने वाला है, बिकॉज जैसे आता हूँ मैं इस तरफ भाई। अरे उसका तो वो दिख रहा है, मुंह दिख रहा है भाई साहब। फिलहाल तो गलत ही स्प्रे आया, लेकिन आप ये देखो ये बंदे कितने चौड़ में रश करने वाले हम पे। क्या बोल रहे हो, हंसा हंसता हुआ मुंह का फोटो। हैकर है, अबे हैकर हैकर है भाई, मत जीत कर। अरे दो बंदे हैकर है रे बाबा, बोल दिया हैकर है, कवर में मेरे को दो हेडशॉट मार दिया भाई। 3-4 दीवार के पीछे आ जाऊं घर भाई, 3-4-5-6 कोई फायदा नहीं है सही, बिकॉज मेरे देखो कितना कवर में आ चुका था, लेकिन भाई साहब क्या ही बोलूं। ओए आर पार मार दिया दीवार के, पप्पी थोड़ी लेगा आके। अब भाई साहब कुल मिलाकर बात ये ही सेकंड ने कर दिया है 1v4, लेकिन भैया आप यहाँ देखो, हम यहाँ पे लैंड जरूर करे हैं, लेकिन लेफ्ट की तरफ भैया बंदे अभी भी हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा सिंपल मानना था कि देखो यार कुछ फालतू तो नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में उस हैकर से दोबारा फाइट लेनी है, क्या पता हम उसे मार पाए। और देखने वाली बात है हम मार पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखो कि हमारा यहाँ पे रुकने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैं तो जस्ट निकलने की सोच ही रहा होता हूँ भाई, इतने में भाई कसम से यार क्या ही करता भाई साहब यहाँ पे रुक के, बिकॉज यार गलत ही सीन, मतलब एक हैकर से बच के आए तो भाई साहब बच के गए, पिल के आए तो भाई साहब दूसरे हैकर सामना हो गया, लेकिन जो भी था गाइस यहाँ पे वहाँ रुकने का तो कोई मतलब नहीं था, तो मैं तो कट लिया और चला आया अपने टीममेट के पास। लेकिन भाई जैसे यहाँ पे भी आया ना ये आर के मिलिट्री में कई बंदे, तो भैया यहाँ पे रुकने का मतलब था ही नहीं, तो हमने कहा चलो भैया क्यों ना इसी पे चल के थोड़ा सा किल भी बटोर ले जाए, तो हम चले आते हैं यहाँ पे। जस्ट नीचे
अब भाई मैं यहाँ पे हाथ हो गया हूँ लेकिन मेरी फट भी नहीं रही है ना, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है भैया कौन कितने हैकर और मिल जाए। बट जो भी यहाँ तो फिलहाल दो बंदों को गिरा दिया, बट अब आप गौर पर भाई ये किसी के साउंड बाउंड गोलियां गोलियां कुछ ही नहीं चल रही है, तो लगा शायद से बंदे यहाँ पे खत्म, ये दो ही थे। बट भाई अगले ही पल अरे फुल सिक्स है। यार सही में मेरे को लगा ये अकेला ही बंदा है यार, लेकिन क्या ही किस्मत है यार सच्ची में। फिलहाल यहाँ पे तो बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप था, बिकॉज यार गलत ही सरप्राइज अटैक मिल गया। लेकिन भाई इतना है कि यहाँ पे हमारे अंसारी भाई इन बंदों को तो फर देंगे, लेकिन भैया अब देखो जैसी उनने जस्ट थोड़ा सा ही होल्ड किया ना भाई साहब, इतने में भाई पूरी हैकर की स्क्वाड रश कर रही है। भाई सच्ची में यार वो कर भी क्या ही लेता अकेला, लेकिन आप यहाँ ये देखो ये अकेला ही अपनी टीम में हैकर नहीं था बल्कि इसकी टीम में दो हैकर थे, ये जो पप्पा बेटी है ना भाई साहब ये भी हैकर है। और सीरियसली यार मतलब उनके अदर टीममेट्स की केडी वगैरह आप देखोगे यार क्या ही चल रहा है यार सच्ची में। मतलब अगर ऐसे रैंक पुश करने का शौक होता तो पता नहीं भैया मैं एक सीजन में कितनी बार ही कॉन्वर करता सीरियसली। लेकिन अब आप यहाँ देखो बंदे कितने पगला गए और ऑल पे भाई साहब गलती गाली गलौज कर रहे हैं। देखो पता नहीं क्या मार रहा है, 28 किले इसके देखो। तेरी माँ चूत मादर चूत रिचर्ड ब्लेड हैकर है, 28 किले इसके, 24 की केडी है मादर चूत की। देखो दो बार मार दिया भाई इसने, एक बार पुचिंकी में एक बार मिलिट्री बेस में आके। हैकर होगी ना तुम्हारी माँ घोसड़ा मादर चूत, हैकर होकर माँ की चूत ठीक, कवर में डैमेज दे रहा है पूरा यार। अरे इसकी इसकी माँ चूत है ना मैंने इसलिए कवर में डैमेज दे रहा है। मिलिट्री ऑफिस में आजा, तुम्हारी गांड मारूंगा मिलिट्री, तुम्हारी डीली उसी ऑफिस में मार दे। दो बंदे रह रहे हैं देखो कैसे लपेटेगा अभी दूर का बच्चा। देखो 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 भाई साहब देख रहे हो मतलब यार एक बंदे को मारने के लिए कितनी स्टाइल मार रहा है लंडा, अबे मार ही नहीं पाया कितनी ओपन से गाड़ी चला के आया यार ये। लास्ट बंदा रह रहा है देखो, हैकर भी ड्रॉप शॉट मारता है, सब मारता है आजकल का हैकर, सब मारता है, स्मार्ट हैकर हो चुके हैं, मतलब नेट वेट सब करते हैं। पुराने हैकर तो चलो वो नहीं करते थे लेकिन अब हैकर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। अगर कहीं जो भी था यहाँ पे जब हैकर आते हैं तो हमारा ये हाल होता है, लेकिन जिस मैच में हैकर नहीं आते हैं ना भैया आओ उस मैच में कितनी तबाही करते हैं वो देखते हैं अब। भाई साहब बैक टू बैक थे भाई, मतलब जहाँ बंदे स्पॉट हो रहे थे हम रश करे जा रहे थे और सबको ठिलाए जा रहे थे। लेकिन अब आप यहाँ देखो मेरा हियरिंग साउंड, मतलब सीरियसली यार ये शायद आपको सुनाई ना दे लेकिन फिर भी आप पुश करना, ये आए मेरे को एक बगी के साउंड वो भी सामने गोदाम की तरफ से। अब फिलहाल
जाना तो बिल्कुल जायज था ही, लेकिन कसम से यहाँ पे कोई ना मेरे को ईएसपी आकर नहीं बोलेगा सच्ची में, क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि हमें तो साउंड आया नहीं भाई, आपको कैसे आ गया था दूर का। तो यार हेडफोन लो अच्छे यार, बट महंगे नहीं, स्मार्ट गेम खेलो यार। तो गाइज यहाँ पे ये दोनों बंदे को भी भर दिया, और सच्ची पे गाइज अब बारी थी यहाँ से निकलकर सिटी जाने की, बिकॉज जॉर्जियो पुल पूरा खाली कर दिया। भाई बंदे तो यहाँ भी अलग अलग दिशाओं में फैले पड़े हैं, लेकिन हमारा मकसद यही था कि एक एक करके पुश करेंगे हर जगह पे, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं बड़ी बिल्डिंगों की तरफ। ये कहीं बैठा है सीढ़ियों पे, मैं तेरे ना अंदर सीढ़ियों पे बैठा है। भाई तुम यकीन मानो मेरे को यहाँ पे कोई अफसोस नहीं है कि मैं यहाँ पे नॉक हुआ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं जो अपना किल बाहर छोड़ के आया था उसे कंफर्म नहीं कर पाया यार, कोई सामने में से किसी ने भैया मेरा किल जो है फाड़ी कर लिया। अब फिलहाल इसी बात में बदला तो बनता है। ऊपर ऊपर बिल्कुल वहां से मारा था एक नंबर को ना। भाई ये बंदा वही कूदे नंबर एक आराम से आराम से। अरे जॉर्डो क्या गलती मार गया लौंडा, तो शाबाश मेरे शेर। एक नंबर बोलेगा ऐसे तुम्हें मरना है तो तुम्हारी बातों से जरूर मर जाना। अरे यार मैं तो उसे डिमोटिवेट सॉरी मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था यार। खाम खाम मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो यार, मैं तो छोटी था गई। यहाँ देखो भैया सिटी जॉर्डो पुल दोनों ही निपटा दिए, तो भैया अब निकलते हैं फाइनली यहाँ से भी। बट जादूर जा नहीं पाए। अब भाई साहब ये वाला क्लच ऐसा ठीक है, सामने बंदे हैं अभी भी। तो गाइस अब फाइनली ये वाला 1v3 तुम्हें कैसा लगा जरूर बताना, मतलब सही है यार ये बंदे डैश लेवल डैश करने आए थे बट उल्टा ही हो गया। वैसे जो भी गाइस यहाँ से बारी अब निकलने की, लेकिन अब आओ आपको दिखाते हैं 1v4। लेकिन उससे पहले आप ये देखो रोजा गाने का भैया कोई खास मकसद था तो नहीं, बट भैया क्योंकि गाड़ी का फ्यूल कम था तो मैं यहाँ से गाड़ी बदलता हूँ और फिर अपने टीममेट के पीछे चल पड़ता हूँ। और इतने में देखो भाई
वहीं पे है। ओ लो भाई साहब, तीन बंदे डाउन। अब आप कह रहे होगे कि भैया 1v4 कहाँ है, तो भी थोड़ा सबर कर लो यार, आएगा चौथा बंदा भी जरूर आएगा, लेकिन फिलहाल तो हमने उसे काफी देर तक ढूंढा बट वो नहीं समझ में आया, तो पायली अभी यहाँ से निकलने लगे, लेकिन इतने में हुई इस बंदे में चल। और भाई साहब इनने करा फायर, रुको भाई साहब तुम भी आ रहे हैं। नहीं मतलब क्या फायदा हुआ। फिलहाल तो जो भी था गाइस, इसकी पेंटिंग इजी पीजी बना दी, और उसके बाद भाई साहब अब देखो 21 किल हो चुके हैं, और मुझे लग रहा था ऐसे भाई साहब अभी भी मुझे 9 किल मिल सकते हैं और 30 का आंकड़ा मैं छू सकता हूं। लेकिन जब आप कोई टारगेट सेट कर लेते हो ना, तो सही में यार वहां पे आता है आप पे हल्का सा दबाव, और देखो भैया ये दबाव कितना भारी पड़ने वाला है मेरे पे। गाड़ी है, देखो ऐसा दो बंदे निपटा दिए, अब बचे सामने दो बंदे, ठीक है तो इजी बीजी हम निपटा सकते थे, लेकिन भाई साहब अब देखो स्कैम क्या होने वाला है मेरे साथ। यार ये कहां से पड़ गई थर्ड पार्टी यार, अब यार क्या ही बोलूं, मतलब सही में अच्छी खासी गेम जा रही होती है और सब सत्यानाश, क्या ही बोलूं मतलब सही में यार ऐसे पानी फिरता है ना मेरे अरमानों पे भैया कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो भी गाइस आज का आपको गेम प्ले कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, हैकर का भी था, तबाही भी थी, सब कुछ था, ओवरऑल तो बोले तो धमाकेदार पैकेज, तो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, बाकी अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोक देना, बाकी बिल्कुल चलता हूं बिल्कुल।